नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो थ्री व्हीलर है वो बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि ये महिंद्रा के घर से आया है, तो महिंद्रा के साथ में हमारे लिए भी हमारे एहसास इसके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये सीएनजी में आता है। इसका नाम है महिंद्रा अल्फा डीएक्स सीएनजी, जो कि थोड़े ही समय में बहुत ही पॉपुलर हो गया है। आज हम आपको इनके कस्टमर रिव्यू करवाते हैं, जो कि इस गाड़ी को पिछले 5 महीनों से चला रहे हैं। इनका नाम है जी तीरथ राम जी, ये आईएन से मिलते हैं। हाँ जी राम तीरथ जी, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राम तीरथ जी। राम तीरथ जी, आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये हम तो काम कर रहे हैं करीब 7-8 साल से। ठीक है जी, तो ये गाड़ी आप कब से चला रहे हैं? ये गाड़ी जो हम चला रहे हैं तो 5-6 महीने हो गए जी। अच्छा जी, तो ये कैसा लगा आपको ये गाड़ी लेकर के? इससे पहले कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे? इससे पहले मैं बैटरी वाला चला रहा था। बैटरी वाला चलाने के बाद फिर उसको बेच के फिर दूसरी गाड़ी ली बैंकों की, उसको चलाया। अच्छा, 6-7 महीने उसको चलाया, उसको बेच दिया, फिर इसको लिया हूँ। ठीक है जी, तो क्या आपको इसका चलाने में किस तरह का आपका रहा है तजुर्बा? तजुर्बा चलाने में बढ़िया तजुर्बा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ। ये किस किस में आता है? ये सीएनजी में तो और भी किसी में आता है? नहीं, सीएनजी में आता है। अच्छा जी, तो कितना चल जाता है एक बार भरने में? एक बार भरने में ये मान के चलो आपकी 200 किलोमीटर चल जाता है। कितना डलता है इसमें सीएनजी? कितना डलता है? 6 किलो। 6 किलो डल जाता है। आपकी एक दिन में कितनी लागत आ जाती है? एक दिन में मान के चलो कि 3 किलो सीएनजी खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो और आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की? कोई दिक्कत ना। ठीक है, बाकी गाड़ियों से इसमें क्या खासियत है ज़्यादातर? बाकी गाड़ियों से खासियत इसमें यह है कि ये थोड़ी सी चौड़ी खुली डुली है। अच्छा जी, और चलने में भी अच्छी है, चाहे जहाँ चलते चले जाओ इसको पीछे नहीं रखना। इसमें एक तो जो जो गाड़ियाँ होती हैं अब पुरानी गाड़ी, उसमें रेडिएटर नहीं है, इसमें रेडिएटर दे रखा है। अच्छा जी, ये गर्म नहीं होती है। अच्छा जी, कितने पैसेंजर आ जाते हैं इसमें? इसमें पैसेंजर आ जाते हैं कम से कम 15-16। ठीक है जी, तो कमाई अच्छी हो जाती है? हाँ जी, कमाई हो जाती है। लगभग कितनी आ जाती है? लगभग 1000-1200 मान के चलो अपना। तो कितने में ली थी आपने ये? ये ली थी 2,93,000। कब ली थी आपने? जो 4 महीना हो गया, 5-4 महीने। तो कैसे आपने नगद या किस्तों में ली है? किस्तों पे। ठीक, कैसे आपको किस्तों में कैसे पड़ी है? किस्तों में पड़ी है 3,93,000 में किस्तों पे पड़ी है। अच्छा जी, और 4 साल की किस्त है, 48 किस्त। पहले कितना दिया आपने? 60,000। ठीक है, तो ये आपको मतलब इसमें और भी कोई कलर वगैरह आते हैं? एक ही रंग आता है। ठीक है, तो कंपनी से जो सर्विस वगैरह कराते हैं कंपनी में कोई दिक्कत परेशानी या बिल्कुल? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना समय लगता है सर्विस में? सर्विस में जो 2.5 घंटा लगता है, 2-2.5 घंटे। अच्छा, तो सुबह जब छोड़ा तो 2-2.5 घंटे बाद आपको लेने जाते हो दोबारा? नहीं, वहीं खड़े होकर सर्विस कराते हैं। ठीक है जी। सर राम तीरथ जी, आप कौन से एरिया में काम करते हैं? सर मैं बस अड्डे से लेकर के मतलब पूरे जलंधर में चलता हूँ। इधर का काम मिल गया उधर चला गया, लोड भी उठाता हूँ। अगर लोडेड काम है अंदर से अटारी बाजार में काम करता हूँ, वहाँ से माल आ जाता है उसको छोड़ाता हूँ, या बस अड्डे पर हूँ, बस अड्डे पर सवारी मिल गई, दूर की सवारी मिल गई तो भी चला गया, लगी चलती मिल गई तभी चला गया। अपना काम तो सवारी का जैसे है। जैसे आपने हमें बताया कि ये गाड़ी की चौड़ाई बाकी गाड़ियों से ज्यादा है, तो आपको रश वाले एरिया में दिक्कत नहीं आती? नहीं, तो हम रश वाले एरिया में अंदर नहीं जाते हैं, वहाँ से माल बाहर आ जाता है। अच्छा जी, रिक्शे के द्वारा, रेड़ा के द्वारा, रेड़ी के द्वारा बाहर आ जाता है। तो अपने लोकल शहर में करते हैं या बाहर भी जाते हैं? मैं बाहर भी जाता हूँ। कितने किलोमीटर तक चले जाते हैं? हम 100 किलोमीटर चले जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ होशियारपुर है, अमृतसर है। अच्छा जी, ये फगवाड़ा है, या इधर चले जाओ कपूरथला है। अच्छा जी, नकोदर चौक है। ठीक है जी,
ये सब जो चलता रहता हूँ। मेरा अगर कोई जरूरत है तो नंबर ले लीजिए हमारा। आप हमारे व्यूअर को अपना नंबर बता दीजिए, कोई जरूरत हो किसी को आपको संपर्क कर लेगा। हाँ नंबर ले लीजिए, बोलिए। 6239906355। ठीक है जी, ठीक है। आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आपसे कोई और ज़रूरतमंद होगा आपसे संपर्क करेगा जी। ठीक है दोस्तों, इस गाड़ी में आपको बड़ी सी विंड स्क्रीन मिलती है और आगे BS6, ये गाड़ी BS6 में आती है। दोस्तों ये मीटर के बारे में आपको राम तीरथ जी बताएंगे। ये गैस का है। अच्छा जी, ये किलोमीटर है। अच्छा जी, ये क्या है जी? ये स्पीड मीटर है। अच्छा जी, ये किलोमीटर है। अच्छा जी, ये है ये किलोमीटर। अभी तक आप कितने किलोमीटर चला चुके हैं? 18,361। ठीक है। और ये गर्म टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर का हो गया, ठीक है। ये ऑयल का हो गया, ये बैटरी हो गया जी जी। ये गियर का हो गया। अच्छा जी, तो लगभग अभी तक कितनी सर्विस हो चुकी हैं? अभी 2 सर्विस हुई है। तो 2 सर्विस आई हैं, अब तीसरी होने वाली। वाइपर का बटन है जी? ये लाइट का है, ये वाइपर का है, ये पार्किंग का है। अच्छा जी, और ये म्यूजिक सिस्टम लगाया था आपको? नहीं, लगवाया था आपने अलग से? नहीं लगवाया। अच्छा, आपने जगह बना रखी है, अभी लगवाया है। लगवाया। और इसके अलावा क्या लगा था आपने अलग से, क्या लगवाया इसमें? अलग से ये सीटें लगवाई, ये सीटें लगवाई। अच्छा, ये साइड वाली सीट आपने, ये वाली, ये सीटें लगवाई। हाँ जी, अलग से आपने क्या क्या लगवाया? ये सीट लगवाई। अच्छा जी, ये सीट लगवाई। अच्छा जी, ऐसी ही उधर भी है। अच्छा जी, ये सीट पीछे। अच्छा जी, ये वाली सीटें लगवाने में आपका क्या अलग से कितना खर्चा आ गया? 4500। और इसके अलावा आपने कोई खर्चा किया इस पे? और इसमें कोई खर्चा हो तो कुछ नहीं किया मैंने, बस वही 150 रुपया लगता रहता है, इधर उसे उधर बुलाई बुलाई। मतलब लगभग किस चीज का खर्चा आता रहता है जो आपको रूटीन में? पुलिस का खर्चा आता रहता है, जो धुलाना पड़ता है। अच्छा जी, जो चलती है तो धुलाना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है। और कोई खर्चा नहीं? ठीक है जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। थैंक यू। ओके।